पूरा मामला जनपद कानपुर देहात थाना मूसानगर क्षेत्र के गौसगंज किसान मोहल्ला निवासी रामलखन पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल उम्र 86 वर्ष पीड़ित बुजुर्ग द्वारा बताया गया कि उसका बेटा लवकुश उम्र 32 वर्ष एक ट्रक चालक है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रक मालिक से पैसे के लेन देन को लेकर उसका विवाद हो गया था, लेकिन मालिकों द्वारा बहुत ही जल्द रुपए देने को कहकर पुनः दोबारा गाड़ी चलाने को बोला गया, जिसके बाद पीड़ित का बेटा लवकुश ट्रक लेकर चला गया। हफ्ते गुजर जाने के बाद पीड़ित बुजुर्ग पिता द्वारा बेटे से फोन में संपर्क किया गया तो फोन स्विच ऑफ बताया गया, जिसके चलते पीड़ित पिता ने ट्रक मालिक से संपर्क किया। ट्रक मालिक ने गोलमाल जवाब देकर पीड़ित के बेटे पर 7,000 रुपए चोरी कर भाग जाने की जानकारी देते हुए आरोप लगाया। वहीं ट्रक मालिकों ने पीड़ित बुजुर्ग के बेटे के खिलाफ थाना मूसानगर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। बेटे के साथ अनहोनी की आशंका के चलते बुजुर्ग पीड़ित दंपति ने थाना मूसानगर जाकर मामले की जानकारी दी थी तो थाना पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के साथ बदसलूकी करते हुए पीड़ित से प्रार्थना पत्र लेकर थाने से भगा दिया। कई हफ्ते गुजर जाने के बाद बेटे के विषय में जानकारी न मिल पाने से परेशान आज पीड़ित मूसानगर थाने जाकर बेटे के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो थाने में तैनात दरोगा द्वारा बदसलूकी करते हुए पीड़ित बुजुर्ग को थाने से भगा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जनपद की पुलिस फिर से कोई अपनी घटना का इंतजार कर रही है। कानपुर देहात से संवाददाता सर्वेश यादव की खास रिपोर्ट। नाम है, कहाँ रहने वाले हैं आप? मूसानगर के रहने वाले हैं। आज आप कहाँ पे खड़े हैं? आप सीओ ऑफिस में खड़े हैं। आप किस बात को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? कब से गायब है? कितने दिन हो गए लगभग? क्या करता था लड़का आपका? गाड़ी चलाता था। आपके साथ क्या हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए आप। लड़का गाड़ी चलावे तो गाड़ी से गायब है, या उसका अपहरण किया गया या मार डालो। तो इस संबंध में आपने मूसानगर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था? जी हाँ। तो क्या कार्रवाई की गई अभी तक? कुछ नहीं, अब लड़का आता है पुराना जाओ रिपोर्ट करें, आपका आते हैं कानपुर जाओ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामलखन। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो है हमारे 86 साल, ठीक कम। तो आपका बेटा गायब हो गया और आपको लग रहा है या तो उसकी हत्या कर दी गई या अपहरण कर दिया गया? हाँ जी। और थाना मूसानगर में प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई। तो क्या दिया दरोगा साहब ने, क्या कहा है आपने? वो कहा गए वो भाग गया। पूरी जानकारी आप बताइए कि मैं क्या कहती हूँ। वो भाग गया, तुम झूठ बोल रहे हो कि वो अपहरण करो। थाने से जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आप सीओ ऑफिस आए हुए हैं? तब हमने आज सीओ ऑफिस आए।